ग्वालियर जिले के पनिहार थाना क्षेत्र में शिवपुरी के एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला शिवपुरी के मगरौनी कस्बे का बताया जा रहा है। यहां युवक राम नरेश गुर्जर अपने मित्र के पास अपने दोस्त शेरू गुर्जर के साथ आया था। शेरू को उसके गांव के बाहर रोक दिया गया और खुद महिला से मिलने चला गया, फिर वापस नहीं आया। तब दोस्त शेरू गुर्जर ने उसके घर वालों को इस घटना के बारे में बताया। घर वालों ने भी युवक को काफी ढूंढने की कोशिश की। तब परिजनों ने 19 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पनिहार थाने में दर्ज कराई। वहीं 3 दिन बाद पनिहार गांव के जंगल में युवक का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। राम नरेश गुजर मगरौनी नरवर जिला शिवपुरी का रहने वाला है। उसके किसी महिला से संबंध है, तो फोन पे बात होने पर महिला ने उसको बुलाया। उसके बुलाने पर वो अपने एक मित्र शेरू गुजर को वहाँ से साथ में लेके मोटरसाइकिल से आया। शेरू ने उसको मोटरसाइकिल से नीचे उतार दिया उस गांव में। वो बोला कि मैं मिल के आता हूँ। फिर काफ़ी देर तक उसके मित्र ने इंतजार करता रहा और शेरू ने जब इंतजार करा लौट के नहीं आया तो वो वापस चला गया और उनके परिजनों को बताया। तो परिजनों ने भी आके तलाश करा, जब घर नहीं पहुँचा तो उसकी रिपोर्ट आके पनियार थाने में घूमने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी 19 तारीख को कि राम नरेश गुजर गायब। तो उसकी तलाश चल रही थी। इसी बीच में कल रात को राम नरेश गुजर की डेड बॉडी वहीं पे गांव में पनियार थाने के गांव में पड़ी हुई मिली। तो चूंकि मामला संदिग्ध है तो उसका अभी डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया है।